हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है कब यूज़ होता है, जिस तरह से डेफिनेशन दी गई, इफ़ वन रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू क्यू रेस्ट एक्स पी, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, देन एक्स इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स शोज फर्स्ट सक्सेस बिफोर एनी फेल्योर नंबर ट्रायल्स। मतलब कि हमने ट्रायल कर रहे हैं तो जो फर्स्ट सक्सेस मिल रही है उसकी प्रॉबिलिटी ढूंढनी हो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें काम आता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड, पी इसका पैरामीटर है, इसका मीन जो होता है वो होता है क्यू अपॉन पी, जो हमको एवरेज बताता है फर्स्ट सक्सेस मिली उसके पहले के फेलियर्स की एवरेज। वेरियंस जो है उसका होता है क्यू अपॉन पी स्क्वायर। वेरियंस हमेशा जो है वो मीन से ग्रेटर होता है। यूजेस में देखते हैं तो अगर कोई भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और हमको फर्स्ट सक्सेस मिल रही है वो ढूंढना है, मतलब उसके पहले जो भी है वो फेल्योर्स ही मिले हैं, तब जो है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें काम आता है। अभी इसके दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। अ पर्सन कैन हिट द टारगेट विद प्रोबेबिलिटी 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हिट व्हेन ही ट्राइज फिफ्थ टाइम। तो इसमें हम P लेंगे 0.6, तो Q इज इक्वल टू होगा X लिया जाएगा 5 - 1, तो X इज इक्वल टू लिया जाएगा 4। फॉर्मूला लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्यू रेस्ट एक्स पी, तो क्यू है 0.4 - 4 × 0.6। तो 0.4 - 4 करें तो 0.0256 × करें 0.6 तो आएगा 0.01536। मतलब कि पांचवी बार जो है वो ट्राई कर रहा है और उसको फर्स्ट सक्सेस मिल रही है, तो इसका मतलब पहले उसको जो है चार बार जो है फेल्योर मिल चुका है। फिर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टॉसिंग अ कॉइन इज 0.5, इफ हेड अकर्स फर्स्ट टाइम इन फोर्थ ट्रायल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो P इज इक्वल टू लेंगे इसमें 0.5, तो Q इज इक्वल टू भी होगा 0.5, X इज इक्वल टू लिया जाएगा 4 - 1 = 3। बी पी एक्स इज इक्वल टू है क्यू रेस्ट टू एक्स पी, तो X लेना है 3, Q है 0.5 - 3 और P है 0.5, इसका मतलब है 0.5 - 4। तो 0.5 × 0.062, तो इस तरह से फोर्थ ट्रायल पे जो है फर्स्ट सक्सेस मिले, इसका मतलब जो है पहले तीन बार फेल हो चुके हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0625। तो हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में प्रोबेबिलिटी के, जब भी फर्स्ट सक्सेस बोला हो तो जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला लगेगी।